दर्द की जिन तस्वीरों को देखने से भी लोग कतराते हैं, उसे 7 साल तक सहती रही नासिर की धड़कन। इस जुल्म को उसने चंद लापरवाह और तरक्की के भूखे पुलिस वालों का लालच मानकर बेशक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, पर बर्बादियों और बदनामियों के बादलों से निकलता उम्मीद का सूरज अभी पूरी तरह से डूबा नहीं था। वैसे सूरज तो 19 जून 2007 की उस सुबह भी तब तक नहीं निकला था जब यूपी के छोटे से शहर बिजनौर के नासिर हुसैन की जिंदगी में भूचाल आया था। रात की आगोश से फिसलकर सुबह बस गिरने ही वाली थी। ठीक तभी 5-6 लोग सादी वर्दी में उत्तराखंड के इस आश्रम में दाखिल होते हैं। बिजनौर का रहने वाला 25 साल का नासिर हुसैन तब इसी आश्रम में था। आश्रम की बिल्डिंग बन रही थी और नासिर मजदूरों का सुपरवाइजर था, लिहाजा वो तब आश्रम के ही कमरे में सोता था। आने वाले अजनबी नासिर के बारे में पूछताछ करते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन के काम का हवाला देकर उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। बाहर पहले से ही एक जिप्सी खड़ी थी। फिर इससे पहले कि नासिर या आश्रम के बाकी लोग कुछ समझ पाते, नासिर को जबरन जिप्सी में डाल दिया जाता है और जिप्सी वहां से भाग निकलती है। जिस तेजी से और जिस तरीके से नासिर को उठाकर जिप्सी में ले जाया जाता है, उसे देखकर आश्रम के लोग यही समझते हैं कि नासिर को अगवा कर लिया गया है। 19 जून सुबह 4:30-5 बजे का वाक्य है। कुछ लोग मेरे पास आए और आकर जो है मुझसे मेरे काम की बात करने लगे, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क जो मैं करता था उसके बारे में बात करने लगे और कहे हमें लेबर की ज़रूरत है। हाँ, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा आप तो आए बात कर लीजिए थोड़ा सा साइड में को। उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी साइड में, वहाँ मैं उनके साथ बात करता चला गया। मैंने कहा लेबर मेरे पास नहीं है इस वक्त। हाँ, तो उन्होंने कहा आइए थोड़ा सा जो है इस तरीके से वहाँ पर, और इंजीनियर वगैरह हमारे बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए थोड़ा सा। तो मैं उनके साथ जा ही रहा था बात करते हुए, कुछ दूर आगे जाकर के उनकी गाड़ी जो जहाँ खड़ी हुई थी उन्होंने मुझे उसमें जबरदस्ती डाल लिया। मैं वहाँ चीखा चिल्लाया। नासिर को ले जाने के बाद आश्रम के लोग लोकल पुलिस में भी जाते हैं नासिर के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने, पर पुलिस उन्हें समझा बुझाकर बैरंग वापस भेज देती है। जब मैं मुझे जेल में डाल दिया तो मैंने अगले दिन अखबार में पढ़ा कि मुझे एसटीएफ जो है एसटीएफ ने मुझ मेरे ऊपर केस बनाया है। एसटीएफ जो यहाँ यूपी की जो एसटीएफ है उसने मेरे ऊपर केस बनाया है। तो आप पे क्या क्या आरोप लगाए? मुझ पर आरोप लगाया था, मुझ पर जो आरोप मैंने उसमें देखा तो मुझ पर कुछ जो है RDX वगैरह दिखाया इन्होंने और कुछ उसके सामान दिखाया। नासिर हुसैन की गिरफ्तारी एसटीएफ ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक होटल से 21 जून 2007 को दिखाई थी। पुलिस के मुताबिक नासिर के तार आतंकवादी संगठन हुजी से जुड़े थे, उसके पास हथियारों का जखीरा था और उसके इरादे एक धार्मिक मेले के दौरान हरिद्वार जाने वाली एक रेलगाड़ी पर धमाके करने के थे। उत्तराखंड के आश्रम से उठाए जाने के ठीक 3 दिन बाद जैसे ही ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई, लखनऊ से लेकर बिजनौर और बिजनौर से लेकर उत्तराखंड तक में हड़कंप मच जाता है। 22 जून का अखबार पढ़ने से पहले नासिर के घरवाले तक यही सोच रहे थे कि उनका बेटा टेहरी में स्वामी के आश्रम में है, और तो और खुद नासिर को भी तब तक पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पूछता था उनसे तो मुझे पीट पाटने लगते थे। मैं उसे मुझे क्यों उठा के लाए आप, तो पीट देते बोले पता चल जाएगा, बस ये बोलते थे तो पता चल जाएगा। अखबारों से नासिर की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसका पूरा परिवार बदहवास सा हो जाता है। फिर इससे पहले कि वो अपना होश संभाल पाते, पास के थाने की पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी थी। अखबार निकले 21 जून 2007 को, उसमें ये पता चला कि मेरे बेटे को 19 जून 2007 के तड़के किसी टीम ने आतंकवादी कह के और वहाँ से उठा के ले गया ऋषिकेश में, जो मेरा बेटा काम करता था। नासिर के जेल जाते ही
उनका पूरा परिवार बिखर गया। इन 7 सालों के दौरान नासिर के परिवार में ना तो कोई रिश्ता तय हुआ और ना ही कोई दूसरी खुशी मनाई गई। बेशक जेल सिर्फ नासिर को भेजा गया था, लेकिन हकीकत तो यह है सजा पूरा परिवार काट रहा था। नासिर की गिरफ्तारी दिखाए जाने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। तमाम संगीन इल्जामों के बीच अदालत ने पहले उसे पुलिस हिरासत में भेजा, फिर पुलिस हिरासत की मियाद खत्म होने के बाद उसे लखनऊ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। नासिर को जेल की हाई सिक्योरिटी जोन में एक बैरक में अकेला डाल दिया गया। इस बंद बैरक में न रोशनी थी न हवा, झरोके के नाम पर एक छोटा सा छेद था। कोठरी में जो सामने अड़गड़े होते हैं, चैनल होते हैं, उसमें 2 जाली और ऊपर लगी हुई थी। एक मोटी जाली, उसके ऊपर मुर्गा जाली लगी हुई थी जिसमें मुर्गे बंद होते हैं, यानी एक पिंजरा टाइप का पूरा बन चुका था और वो चारों तरफ से अंदर से बंद था। उसमें सिर्फ एक सफ़ेद बल्ब जला हुआ होता था, सफ़ेद ही पूरा कमरा रंगा हुआ था वो, जिससे ये हुआ कि हमारी रोशनी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, हमारी आँखों पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा और रोशनी कम हो गई आँखों की। जेल में रहने के दौरान नासिर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। 9x11 फुट के कमरे में ना तो सांस लेने के लिए ताज़ा हवा थी और ना ही रोशनी का कोई इंतज़ाम। हालात इतने बुरे हो गए कि नासिर की तबीयत खराब रहने लगी, यहाँ तक कि 7 साल जेल में रहने के बाद नासिर की याददाश्त भी कमज़ोर हो गई।